आदाब नाज़रीन, मैं हूं अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दास्ताने हिंद में हम जिक्र करने वाले हैं कश्मीर में मौजूद एक औलिया साहब की दरगाह के बारे में। आपका मर्तबा अल्लाह ने पाक जलाल अता किया है। आज हम देखेंगे कि क्या तारीख गुजरी इस दरगाह के कायम होने पर, देखेंगे इस प्रोग्राम में। हजरत बाबा जी साहेब लावेरी का दरबार लॉर्ड शरीफ वंगत कश्मीर रियासत जम्मू और कश्मीर के गुर्जर बकरोल और पहाड़ी लोगों के लिए मुकद्दस तरीन मज़ारात में से एक है। पीओके समेत पूरी रियासत में गुर्जरों का उस मज़ार से बहुत रूहानी लगाव है। इस दरगाह में हर साल 8 जून को अर्श शरीफ के मौके पर लाखों लोग अकीदत के साथ हाजिरी देने के लिए जमा होते हैं। ये मज़ार मजहबी कशिश के अलावा गजर फखरी वर्से और सकाफत की अलामत भी है। दरगाह लार शरीफ श्रीनगर के शुमाल में किलोमीटर के फासले पर है और कंखनी 45 नदी के दाएं किनारे पर ज़िले की तहसील कंगन में आती है। ये मज़ार गांव के कल्ब में वाक़ है, जिसे अब बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। दरबार शरीफ दीवार के जंगलात हरी भरी चारगाहों मजगारों फूलों के बाइस और बर्फ पोश चोटियों से घिरा हुआ है। हजरत बाबा जी साहेब लारवी एक अजीम मजहबी बुजुर्ग खुदा से डरने वाली शख्सियत, समाजी मसला और 18वीं सदी ईस्वी के सूफी शायर थे। वो बलाकोट के इलाके पाकिस्तान में मौजूद है। वो इलाका के गांव में 1863 में एक बकरोल खानदान में पैदा हुए। मकामी पादरी ने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा। इनके वालिद फजल गल का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 4 साल के थे। उसने और उसकी माँ ने अपने वालिद की मौत के बाद चचा के घर में पनाह ली। उनके चचा ने उन्हें मौशी चराने पर मामूर किया, लेकिन बच्चा रूहानियत की तरफ माइल थे और ज्यादातर वक्त अकेले बैठकर मुराकबा में रहते थे। बाबा जी साहब का ये सलूक चचा को जैब नहीं देता था। चुनांचे बाबा जी चंद साल बाद अपने आबाई घर वापस आ गए। उनकी वालिदा बहुत मेहरबान खातून थी। रूहानियत की तरफ उनकी रूहें को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसे एक मुकद्दस जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। इसलिए बाबा जी साहिब ने कब्र की कसम के कैनेन में मुराकबा शुरू किया और तकरीबन 7 साल तक बगैर खाना खाए मुराकबा किया। इसी दरमियान उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब बाबा जी साहिब किसी ऐसे पीर की तलाश में थे जो इन्हें रूहानियत की सही सिमत में ले जाए। इन दिनों नक्शबंदी पीर निज़ामुद्दीन कयानी ऑफ कयान शरीफ मज़फ़र आबाद बहुत मशहूर थे। बाबा जी उनके दरबार में हाजिर हुए और उनके सच्चे शागिर्द बन गए। बाबा जी साहब कयान शरीफ से संजवारा वापस आए और इज्तमाई लंगर और दुआ का आगाज किया। आसपास के देहात के लोग बाबा जी साहब के घर आकर दुआएं मांगने लगे। मैं बाबा जी साहब ने अपने पीर की 1893 दूसरी ख्वाहिश पूरी की और स्वंजवराह से हिजरत करके कश्मीर में आ गए। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कश्मीर भर से आने वाले पैरोकारों और अकीदत मंदों में बहुत मकबूल हुए। बाबा जी साहब ने 1895 में अपना डेरा कायम किया और कम्युनिटी लंगर शुरू किया। नमाज के लिए एक मस्जिद तामीर की और अकीदत मंदों को इस्लाम की हकीकी ख्यालात की तबलीग शुरू की। 1901 में बाबा जी पहली बार पूंछ शरीफ लाए जब वो हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ की तलाश में थे, जिसे शहनशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था। उन्होंने खांटर की सिंगो गुजर खानदान से वही बरामद की। 1902 में उन्होंने पूंछ राजौरी अजला का वसी दौरा किया, जिसमें हजारों लोग उनके शागिर्द हो गए। 1906 ईस्वी में उन्होंने
सोनकोट में मोड़ा शरीफ में ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल किया और अपना डेरा कायम किया, जहां वो सर्दियों में 3 माह तक मुकीम रहे। मौरिक मोहम्मद दीन फोक तारीख कामा में लिखते हैं कि 1905 से 26 तक राजवरी के तकरीबन तमाम गुजर बालकवार पहाड़ी लोग उनके शागिर्द बन चुके थे। बाबा जी साहेब भी बड़े शायर थे। उन्होंने पूछा और राजवरी इजलाह में सूफी शायरी की बुनियाद रखी। उनके हौसले अफजाई से उस इलाके के बहुत से मुकामी लोग जो बाबा जी से मुतासर होकर सूफियाना शायरी लिखने लगे, इनमें साई कादिर बख्श, फतेह मोहम्मद दार अलवी, खुदा बख्श रज, बाग हुसैन शाह वगैरह शामिल हैं। बाबा जी साहेब ने सूफियाना शायरी की किताब के अलावा इस्लाम पर 2 किताबें मखफूजात निज़ामिया और इसरार कबीरी भी लिखी। 1926 में बाबा जी साहेब का इंतकाल 62 साल की उम्र में हो गया। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्लीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।